नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाड़ा हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे व्याकरण की शिक्षण विधियां। व्याकरण शिक्षण विधियों में अपनों ने कौन सी विधि शुरू की थी? समवाय विधि, जो व्याकरण शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। और इसी के साथ साथ ये भी बता देती हूँ कि ये एक ऐसी विधि है जो गद्य शिक्षण में भी चलती है, पद्य शिक्षण में भी चलती है, व्याकरण शिक्षण में भी चलती है। तीनों में ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, परंतु यदि वैसे देखें तो ये विधि है वो व्याकरण शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि लॉर्ड मैकाले का एक कथन अपनों ने पढ़ा था पिछली क्लास में। लॉर्ड मैकाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बालक उस भाषा के व्याकरण को या उस भाषा को बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी सीखता है। कौन सी भाषा को? जिसका वह व्याकरण नहीं जानता। अर्थात यदि आप बच्चे के पीछे लग जाओगे, भाई व्याकरण पढ़ो, व्याकरण पढ़ो, व्याकरण पढ़ो, तो वो उससे दूर भागेगा। अब आप गद्य पढ़ा रहे हैं या पद्य पढ़ा रहे हैं, साथ साथ उसको पता ही नहीं चले आप कब व्याकरण बता जाओ, तो वो उस भाषा को जल्दी सीख जाएगा और शीघ्र उसकी पकड़ करेगा। तो इसको अपन आगे बढ़ाते हैं, समवाय विधि का ही अध्ययन अपन आगे बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर अपन पढ़ने वाले थे व्याकरण शिक्षण, और व्याकरण शिक्षण में भी कौन सी विधि का अध्ययन करेंगे? समवाय विधि का। तो समवाय विधि कौन सी होती है, पहले तो अपन ये देखते हैं। तो समवाय का शाब्दिक अर्थ अपनों ने देखा था पिछली क्लास में, इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है साथ साथ चलना। अर्थात साथ साथ चलेगी, किसके साथ साथ चलेगी? चाहे गद्य के साथ चला लो, चाहे पद्य के साथ चला लो। तो गद्य या पद्य शिक्षण, या फिर अपन यूं भी कह सकते हैं रचना शिक्षण के साथ भी चल सकती है। तो गद्य या पद्य या रचना शिक्षण के साथ चलने वाली जो विधि होती है वही कौन सी विधि मानी जाती है? समवाय विधि। और इसके साथ चलता कौन है? व्याकरण चलता है, क्योंकि अपन व्याकरण शिक्षण की पढ़ रहे हैं ना, तो इसके साथ साथ व्याकरण चलता है। कैसे? कि आप किसी भी गद्य या पद्य का पाठ पढ़ा रहे हैं, आप पाठ का अध्ययन करवा रहे हैं, और पाठ के अध्ययन के दौरान कोई भी विशेष शब्द आ गया, कोई भी विशेष वाक्य आ गया, तो आपने क्या किया? वहां पर उस विशेष शब्द या वाक्य का नियमीकरण कर दिया। नियमीकरण का मतलब है कि उससे संबंधित व्याकरण का ज्ञान बच्चे को करवा दिया, तो वहां पर वह विधि भाषा शिक्षण की या व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि मानी जाएगी? समवाय विधि। यानी आपने पढ़ा तो पाठ रहे हो और साथ साथ व्याकरण का ज्ञान करवा दिया, तो इसलिए वहां पर कौन सी विधि मानी जाएगी? समवाय विधि मानी जाएगी। तो इस संबंध में अपन विस्तृत चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लास में, आज अपने को इस विधि को आगे बढ़ाना है। तो इस विधि को आगे बढ़ाने हेतु हम अपन अब अपन देखते हैं कि इस विधि के सिद्धांत कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए, इस विधि के संबंध में या इस विधि को समझाने हेतु विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न नामों से विधियां दी है, सिद्धांत दिए हैं। तो उनमें से कौन कौन से सिद्धांत महत्वपूर्ण है वो चीज अपन यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने आपको कहा था कल की क्लास में कि भई ये संबंध और सहसंबंध की जो परिकल्पना है वो हार्बर्ट महोदय के द्वारा दी गई थी। तो जाहिर सी बात है कि हार्बर्ट द्वारा इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गई होगी, विस्तृत अध्ययन किया गया होगा। जी हाँ, इन्होंने इतना अध्ययन किया था कि इस विधि से संबंधित दो सिद्धांत भी निकाल दिए थे। तो दो सिद्धांत कौन कौन से थे यदि अपन इस संबंध में बात करें, तो इस संबंध में इनका पहला सिद्धांत यहां पर अपन लिखेंगे समवाय विधि के, समवाय विधि के सिद्धांत, विधि के सिद्धांतों की यदि अपन बात करें तो देखिए इस विधि के सिद्धांतों में यदि अपन पहले सिद्धांत की बात करें तो देखिए हार्बर्ट का संप्रत्यात्मकता, ये तय है, संप्रत्यात्मकता सिद्धांत,
एक तो ये माना जाएगा, कौन सा? हर्बर्ट का संप्रदायात्मक सिद्धांत। इसके साथ साथ दूसरे सिद्धांत की यदि बात करें तो दूसरा सिद्धांत भी मैंने आपको कहा दो सिद्धांत दिए, तो हर्बर्ट का सहसंबंध का सिद्धांत। मैंने आपको बताया था कि भाई सहसंबंध और संबंध की बात या परिकल्पना ही किसने दी है, तो परिकल्पना किसने दी है? हर्बर्ट का सहसंबंध का सिद्धांत, ये परिकल्पना ही हर्बर्ट द्वारा दी गई है। तो जाहिर सी बात है वो इसका जो समवाय का संप्रत्यय इन्होंने दिया, संप्रत्यय का मतलब क्या होता है, ये अवधारणा या ये विचार इन्होंने दिया, और इसके साथ संबंध व सहसंबंध दोनों की बात भी इनके द्वारा की गई। और इसी विधि से संबंधित एक जिलर द्वारा भी सिद्धांत दिया गया। जिलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? जिलर के सिद्धांत का नाम था जिलर का केंद्रीकरण का सिद्धांत, केंद्रीकरण का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत भी महत्वपूर्ण माना जाता है। केंद्रीकरण का मतलब केंद्र तो कौन होती है, भाषा होती है, या फिर अपन बात करें तो यहाँ पर गद्य या पद्य होता है, और उसके बाद साथ साथ कौन चलता है, व्याकरण चलता है। तो इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं जिलर का केंद्रीकरण का सिद्धांत। उसके बाद यदि अपन बात करें अगले विद्वान की, तो अगले विद्वान आते हैं फ्रोबेल। अब फ्रोबेल ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो फ्रोबेल के सिद्धांत का नाम माना जाता है फ्रोबेल का जीवन केंद्रित सिद्धांत। जीवन केंद्रित सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया। तो इस प्रकार से हर्बर्ट ने इसी विधि से संबंधित संप्रत्यात्मकता का सिद्धांत दिया, इन्होंने सहसंबंध का सिद्धांत दिया, इन्होंने जिलर ने केंद्रीकरण का, फ्रोबेल ने जीवन केंद्रित का सिद्धांत दिया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। और कौन कौन से सिद्धांत हो सकते हैं? अब संप्रत्यात्मकता का मतलब हुआ कि भाई ये अवधारणा अर्बर्ट द्वारा, सहसंबंध भी इसमें गद्य या पद्य का संबंध किससे होता है, व्याकरण से, तो इसको अपन सहसंबंध कह सकते हैं। केंद्रीकरण यानी इसमें केंद्रीकरण किस पर रहता है, भाषा शिक्षण पर रहता है, परंतु साथ साथ व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता है। जीवन केंद्रित का मतलब हो गया कि अपन जीवन में साथ साथ अनेक चीजों को लेकर चलते हैं, तो उसी प्रकार से ये विधि भी अनेक चीजों को साथ साथ लेकर चलने वाली है, तो इसलिए अपन इसको कह सकते हैं। उसके बाद यदि इस संबंध में सिद्धांत की बात करें तो अपन देखते हैं जॉन डीवी की का नाम सुना आपने, तो डीवी का कौन सा सिद्धांत माना जा सकता है इससे संबंधित? सामंजस्यीकरण, सामंजस्यीकरण का सिद्धांत इसी के अंतर्गत माना जा सकता है। तो ये हो गया सामंजस्य किसके मध्य, गद्य या पद्य व व्याकरण के मध्य। इसके साथ साथ अपन यदि भारतीय विद्वान की बात करें तो गांधी, महात्मा गांधी ने भी शिक्षा के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए थे। यदि आपको पता हो तो बेसिक शिक्षा की अवधारणा महात्मा गांधी की ही दी गई थी, महात्मा गांधी द्वारा ही दी गई थी। तो यहाँ पर अपन गांधी जी का यदि सिद्धांत की बात करें तो गांधी जी ने इसी नाम से सिद्धांत दिया है, गांधी जी का समवाय सिद्धांत। तो उनका सिद्धांत किस नाम से माना जाता है, किस नाम से मिलता है? इसी नाम से मिलता है, समवाय सिद्धांत के नाम से। तो ये लीजिए, ये तो प्रमुख रहे समवाय विधि के सिद्धांत। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भी निम्न में से समवाय विधि से संबंधित कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो ये तो हो गए इस विधि के प्रमुख सिद्धांत। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं इस विधि के प्रकार की। तो इस विधि के प्रकार को अपन कैसे समझ सकते हैं? तो देखिए, अपन यहां पर बात करते हैं, ये समवाय विधि के सिद्धांत तो हो गए, तो अब अपन बात करते हैं
समवाय विधि के प्रकारों की, के प्रकार कितने प्रकार हो सकते हैं? दो प्रकार हो सकते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, एक तो है लंबीय, लंबीय समवाय विधि या लंबीय समवाय, और दूसरा माना जाता है क्षितिज समवाय। ये दो जो प्रकार है वो इस विधि के माने जाते हैं। देखिए, आप मान लीजिए कि आप अध्ययन करवा रहे हैं हिंदी भाषा का, ठीक है? तो हिंदी भाषा में आप गद्य का अध्ययन करवा रहे हैं, और गद्य का अध्ययन करवाते करवाते और यूं आ गया कि भाई राम घर जाता है, इस प्रकार का कोई वाक्य आ गया। अब आपने यूं सोचा कि भाई वाक्य का विश्लेषण करना चाहिए ताकि बच्चों को इससे संबंधित ज्ञान हो जाए, यानी बच्चों को व्याकरण का ज्ञान मिल जाए। क्यों? क्योंकि आप समवाय विधि द्वारा अध्यापन करवा रहे हैं, तो समवाय विधि में गद्य के साथ साथ व्याकरण चलेगा। तो आपने इस वाक्य का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। आपने विश्लेषण किस प्रकार से करना शुरू कर दिया? आपने यूं कहा कि भाई राम घर जाता है, तो काम कौन कर रहा है? राम। तो राम कौन है? करता है, ठीक है? घर जाता है तो कहां जाता है? घर जाता है, तो यहां पर घर क्या हो गया? घर जाने का काम कर रहा है, तो इसको अपन एक बार कर्म मान लेते हैं। हालांकि जो क्या का उत्तर होता है वो कर्म होता है। उसके बाद अगर अपन देखें कि जाता है, तो जाना कौन सा शब्द माना जाता है? क्रिया शब्द माना जाता है, ठीक है? या फिर अपन एक बार कर्म को हटा दें क्योंकि हिंदी में आवश्यकता नहीं होती, ठीक है? अब आपने यूं कहा कि भाई राम तो करता है, जाना और होना ये दोनों के दोनों क्रिया शब्द हैं। इसी के साथ आपने यूं कहा कि भाई जो व्याकरण में संज्ञा माना जाता है, तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी का नाम को। तो राम एक किसी व्यक्ति का नाम है, किसी लड़के का नाम है, तो राम को अपन क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे, क्योंकि नाम किस में चला जाता है? संज्ञा में। और उसके बाद ये क्रिया होगी। अगर अपन वाक्य के विश्लेषण की बात करें, तो देखिए हिंदी में वाक्य के दो भेद या दो भाग माने जाते हैं, दो भाग माने जाते हैं। कौन कौन से दो भाग माने जाते हैं? एक तो उद्देश्य माना जाता है और एक विधेय माना जाता है। ये दो भाग माने जाते हैं। उद्देश्य में कौन आता है? उद्देश्य में कर्ता आता है, और विधेय में कौन आता है? क्रिया आती है, ठीक है? तो अब आपने यूं कहा कि भाई ये जो कर्ता है ये तो क्या कहलाएगा? इसके अनुसार उद्देश्य, उद्देश्य कहलाएगा, और क्रिया इसके अनुसार क्या कहलाएगी? विधेय कहलाएगी। क्रिया क्या बन जाएगी? यहां पर विधेय बन जाएगी। ये चीज आपने क्लियर कर दी, ये चीज आपने बता दी, ठीक है? तो आपका शिक्षण कौन सा माना जाएगा? लंबीय शिक्षण माना जाएगा। किस लिए लंबीय शिक्षण माना जाएगा? मैंने एक लंबा चौड़ा विश्लेषण दिया, इसलिए जे नहीं, इसलिए माना जाएगा क्योंकि आप हिंदी का ही तो अध्ययन करवा रहे हैं, ठीक है? हिंदी का ही अध्ययन करवा रहे हैं और हिंदी का ही व्याकरण करवा रहे हैं, हिंदी का ही व्याकरण करवा रहे हैं। तो एक ही विषय से संबंधित चीजों का विश्लेषण किया जाए तो वहां पर कौन सी विधि या कौन सा प्रकार माना जाएगा? लंबी, लंबी विधि माना जाएगा। यहां पर अपन यूं कह सकते हैं, यहां पर अपन ये कह सकते हैं लंबी अविधि के लिए, लंबी अविधि के लिए यूं कहा जाता है कि जब समवाय विधि द्वारा, समवाय विधि द्वारा अध्ययन करवाते समय, अध्ययन करवाते
समय एक ही विषय में संबंध स्थापित किया जाता है तो वहां समवाय का लंबी प्रकार माना जाएगा। ये चीज है कि भी जब समवाय विधि द्वारा आप अध्ययन करवा रहे हो, समवाय विधि द्वारा अध्ययन करवाते समय आप जिस विषय का पाठ पढ़ा रहे हो उसी विषय का, मान लीजिए आप संस्कृत का पाठ पढ़ा रहे हो तो संस्कृत ही व्याकरण का अध्ययन करवा रहे हो। अब आप यूं सोच रहे होंगे कि भाई अगर हिंदी का पाठ पढ़ा रहे हैं तो हिंदी का व्याकरण ही समझाया जाएगा, संस्कृत का पाठ पढ़ा रहे हैं तो संस्कृत का व्याकरण ही समझाया जाएगा, इंग्लिश का पाठ पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश का लेसन करवा रहे हैं तो इंग्लिश का ग्रामर ही करवाया जाएगा। जी नहीं, आप दो अलग अलग भाषाओं को जोड़कर भी इसका शिक्षण करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं। यहाँ पर अपनों ने देखा कि भी जब एक ही विषय से संबंधित दोनों चीजों में संबंध स्थापित होता है तो वहां पर कौन सा माना जाता है, लंबी या प्रकार माना जाता है। किस विधि का, समवाय विधि का। तो ये तो हो गया लंबी या प्रकार। आप अगर और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि जैसे जैसे हिंदी गद्य या पद्य शिक्षण के दौरान हिंदी गद्य या पद्य शिक्षण के दौरान हिंदी व्याकरण का अध्ययन करवाना। तो जैसे हिंदी गद्य या पद्य शिक्षण करवा रहे हैं तो उस दौरान आप हिंदी का ही व्याकरण करवाएंगे। नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद अपन बात करते हैं अगले प्रकार की। तो अगला प्रकार कौन सा होता है, तो अगला प्रकार होगा, अभी अपनों ने देखा था क्षितिज। तो दूसरा जो प्रकार होता है वो कौन सा होता है, क्षितिज समवाय। अब ये कैसे होता है और क्या होता है, अगर आप समझते हैं कि भाई एक विषय से संबंधित पाठ करवा रहे हैं तो उसी का ही व्याकरण करवाया जा सकता है। जी नहीं, अपन यहाँ पर यूं भी करवा सकते हैं कि भाई जैसे आप हिंदी का पाठ पढ़ा रहे हो और वाक्य वही आ जाए कि राम घर जाता है, ये वाक्य आ जाए। अब आपने वहां पर कहा कि भाई राम क्या है, करता है, और करता है साथ साथ किसी का व्यक्ति का नाम है तो क्या है, संज्ञा है। इसके साथ साथ जो जाता है वो क्या है, क्रिया है, और घर आप कर्म बता दो, ठीक है। तो इस प्रकार से इंग्लिश व्याकरण में किसी भी वाक्य के तीन भाग होते हैं। तो आप अंग्रेजी व्याकरण का अध्ययन करवा सकते हो, अंग्रेजी व्याकरण में वाक्य के कितने भाग होते हैं या वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के तीन अंग होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, एक तो सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। अब आपने ये बता दिया और आपने ये भी समझा दिया कि जिस प्रकार से भाई हिंदी में राम कर्ता पहले आया है और क्रिया अंत में आई है, तो इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में ऐसा होता है कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है, यानी कर्ता तो पहले आएगा ही आएगा, उसके बाद वर्ब आती है, और वर्ब भी दो प्रकार की होती है, HV इसके साथ साथ MV हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। आपने ये बता दिया और उसके बाद आपने कहा
कि भाई ऑब्जेक्ट बाद में आता है, तो इस प्रकार से इंग्लिश में ऐसा होता है, हिंदी में ऐसा होता है। करवा दिया ना आपने, हिंदी का पाठ पढ़ा रहे थे, हिंदी में वाक्य आया राम घर जाता है, और यहाँ पर आपने वाक्य का कौन सा ज्ञान करवा दिया, इंग्लिश वाक्य का ज्ञान करवा दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर यदि शिक्षण करवाया जाता है तो वो कौन सा माना जाएगा, क्षतिज माना जाएगा। लंबी हमें एक ही भाषा को लेकर चलना है तो अपन किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, अपन किस प्रकार से देख सकते हैं, देख लेते हैं इन चीजों को भी। तो देखिए अपन सीधी की सीधी इस तरीके से बात कह सकते हैं कि यदि समवाय विधि द्वारा, समवाय विधि द्वारा शिक्षण के दौरान, के दौरान एक विषय का अन्य विषय से संबंध स्थापित हो जाता है तो वहां समवाय का क्षतिज प्रकार माना जाएगा। ये लीजिए, ये होगी कि समवाय विधि द्वारा शिक्षण के दौरान एक विषय का अन्य विषय से संबंध स्थापित हो जाता है तो वहां कौन सा प्रकार माना जाएगा, क्षतिज प्रकार माना जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। आगे अपन देख सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हो यदि लिखना चाहो, ताकि आपको बाद में याद रह जाए। जैसे हिंदी भाषा शिक्षण के दौरान अंग्रेजी व्याकरण का ज्ञान करवाना। ये लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। तो ये रहे समवाय विधि के दोनों प्रकार। अब अपन बात करते हैं समवाय विधि के प्रमुख गुणों की, कौन कौन से गुण हो सकते हैं। तो समवाय विधि के गुणों की अपन यहां पर चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो अपनों ने जब प्रक्रिया पढ़ी थी तो अपनों ने अच्छे तरीके से देखा था कि भाई इस विधि में एक साथ अपन दो चीजों का संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से दोष होते हैं, उन चीजों को देखा कि भाई रुचिकर हो सकती है, मनोवैज्ञानिक हो सकती है, बालक इन इसमें बहुत रुचि लेते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें देखी थी। इसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई समवाय विधि के साथ या समवाय विधि द्वारा यदि अपन व्याकरण शिक्षण करवा रहे हैं तो इसका जो गुण माना जा सकता है, वो पहला गुण तो ये माना जा सकता है कि इस विधि के दौरान व्याकरण की कक्षा अलग से नहीं लगानी पड़ती, व्याकरण की कक्षा अलग से नहीं लगानी पड़ती। अब अलग से नहीं लगानी पड़ती का क्या मतलब हुआ कि व्याकरण साथ साथ चल रहा है तो धीरे धीरे बच्चों को व्याकरण का ज्ञान भी हो रहा है, तो व्याकरण की कक्षा भी नहीं लगानी पड़ेगी। तो अपन इसको इस रूप में देख सकते हैं कि इस विधि द्वारा शिक्षण से व्याकरण की क्लास या कक्षा अलग से
अलग से नहीं लगानी पड़ती। एक तो ये बात होगी, व्याकरण की कक्षा अलग से नहीं लगानी पड़ती, और चूंकि व्याकरण की कक्षा अलग से नहीं लगानी पड़ती तो उसका फायदा क्या होता है, उसके दो फायदे होते हैं। कौन कौन से? एक तो पहला तो समय की बचत होती है, यानी दो कक्षाओं का, दो घंटों का काम एक घंटे में हो रहा है। तो यहां पर अपन एक तो ये बात कह सकते हैं कि भी समय की बचत होती है, समय की बचत होती है इस विधि द्वारा शिक्षण से। और एक विधि और ये कही जा सकती है, जो निजी शिक्षण संस्थाएं है ना, उनके लिए भी फायदा हो जाता है। ये फायदा हो जाता है कि अलग से अध्यापक की आवश्यकता नहीं पड़ती। हालांकि जो अध्यापक चाहिए वो तो ज्ञानी होना चाहिए, क्योंकि दो चीजें साथ साथ चला रहे हैं, तो साथ साथ उसे हिंदी विषय का, यानी विषय का ज्ञान होना चाहिए, यानी गद्य व पद्य का ज्ञान होना चाहिए, साथ साथ व्याकरण का ज्ञान भी होना चाहिए। यानी ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो दोनों चीजों को संभाल सके। तो पारंगत शिक्षक की तो आवश्यकता पड़ेगी, परंतु साथ साथ दो अध्यापकों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एक ही पारंगत शिक्षक ले आइए, दोनों चीजों में सामंजस्य बैठाकर दोनों चीजों को साथ लेकर चलेगा, जैसा कि जॉन डीवी ने सामंजस्यकरण का सिद्धांत दिया है। तो उस आधार पर भी अपन ये बात भी कह सकते हैं। कौन सी बात कह सकते हैं अपन? अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें एक ही अध्यापक द्वारा शिक्षण संभव है। ये लीजिए, तो इस विधि में एक ही अध्यापक द्वारा शिक्षण संभव हो सकता है। तो ये है इस विधि के प्रमुख गुण। हालांकि ये रुचिकर विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है, वो चीज अपन कह सकते हैं, साथ साथ इसके ये गुण भी हो सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। आगे अपन बात करेंगे इससे संबंधित प्रमुख दोषों की। तो चलिए, गुणों के बाद अपन बात करते हैं दोष। देखिए, पहला और मुख्य दोष तो ये है कि इस विधि द्वारा, कहते हैं ना, दो गुणों पर सवार जो होता है वो गिरता है। तो किसी भी एक चीज का सटीक अध्ययन इसके द्वारा नहीं करवाया जाता। क्यों? क्योंकि गद्य शिक्षण के दौरान भी शिक्षक के मस्तिष्क में रहता है कि भाई व्याकरण का ज्ञान करवाना है, वो बीच बीच में व्याकरण का ज्ञान करवाता है, बीच बीच में गद्य, तो ये चीजें हैं वो चलती रहती है। तो इसलिए इसमें किसी भी एक विषय का सटीक अध्ययन संभव नहीं है। तो अपन इसको किस रूप में समझ सकते हैं? अपन यूं समझ सकते हैं कि यह, या फिर अपन कहें इस विधि द्वारा, तो अपन कह सकते हैं कि इस विधि द्वारा किसी भी एक विषय कह सकते हैं या प्रसंग कह सकते हैं, एक प्रसंग का सटीक अध्ययन संभव नहीं। या अपन यूं भी कह सकते हैं कि भाई ये विधि है वो किसी भी एक विषय का पूर्ण अध्ययन करवाने में या पूर्ण ज्ञान करवाने में यह सक्षम नहीं है। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई इस विषय में है वो दो भागों में शिक्षक बंटा रहता है, शिक्षक का मस्तिष्क दो भागों में बंटा रहता है। तो ये चीज तो अपनों ने देखी थी कि भी विद्यार्थी जो पढ़ते हैं तो उनका मस्तिष्क भी इधर उधर जाता रहता है, तो वो भी विषय से भटक जाते हैं। तो इसलिए इस विधि के अंतर्गत या इस विधि द्वारा
शिक्षण के दौरान द्वारा शिक्षण के दौरान क्या नहीं रहती, ये मैंने आपको बताई भी है पहले। शिक्षण के दौरान तारतम्यता नहीं रहती, तारतम्यता नहीं रहती, तो ये चीज भी होगी। और साथ साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि इस विधि द्वारा यदि अपन शिक्षण करवा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये भी बताया था कि भी इस विधि द्वारा अपन शिक्षण करवा रहे हैं तो विद्यार्थी व शिक्षक दोनों ही विषय से भटक जाते हैं। तो इस विधि में है वो विषय से भटक जाने का डर भी रहता है। एक चीज और अपन कह सकते हैं कि भाई जो भाषागत कौशल है उनमें किसी भी एक महत्वपूर्ण कौशल का अध्ययन इस द्वारा संभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों को साथ साथ लेकर चलना होता है, तो दोनों का ऊपरी परिचय करवाया जाता है, गुड अध्ययन संभव नहीं है। तो ये थी समवाय विधि व्याकरण शिक्षण की जो महत्वपूर्ण विधि थी, अपनों ने दो बार पढ़ ली है। यहां पर मैं समझती हूं कि ये आपके मस्तिष्क पटल पर बिल्कुल अंकित हो गई होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगली विधि के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।